Now next one, इस session just discuss करेंगे difference between malloc एंड कैलॉक फंक्शन. दोनों ही फंक्शन की बात करें, दोनों ही फंक्शन को यूज करने का जस्ट बेसिक पर्पज क्या है, जस्ट परफॉर्मिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस. क्लियर. डिफरेंसेस की बात करें, डिफरेंसेस से एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट मैं पहले आपको एक क्राइटेरिया प्रोवाइड कर रहा हूँ. इस क्राइटेरिया के बेसिस पर ऑब्जर्व करें गिवन डिफरेंसेस से आपके लिए डिफरेंसेस प्रैक्टिकली समझना पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेलॉक के थ्रू मुझे जस्ट एन एलिमेंट्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करा, एन इंटीजर आइटम मे बी एन कैरेक्टर या मे बी एन फ्लोट एलिमेंट, तो मेलॉक की केस में जस्ट बेसिक सिंटैक्स क्या फॉलो करते हैं, सम पॉइंटर वेरिएबल पी इक्वल टाइप कास्ट इनटू इंट स्टार. इस केस में आप एज्यूम करके चलना पॉइंटर पी का टाइप क्या, जस्ट इंट स्टार पी इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग इनटू इंट स्टार कॉलिंग मैलॉक प्लस मैलॉक के केस में सप्लाई क्या करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट्स. सपोज दैट अगर मैं इस केस में इंटीजर्स के लिए स्पेस एलोकेट कर रहा हूँ, सारे के सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप के, साइज किसका पास करो, इंटीजर का. अगर आप 16 बिट सी कंपाइलर यूज करें तो इंटीजर का साइज क्या पास होगा, जस्ट 2. अगर आप 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर यूज करें तो इंटीजर का साइज क्या पास होगा, जस्ट 4. देन मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, एन से. इस केस में एन क्या है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर 5 इंटीजर्स के लिए स्पेस एलोकेट कर रहा हूँ, देन एन के प्लेस पर क्या पास होगा, 5. और 16 बिट सी कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या पास होगा, साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू जस्ट 2. तो फाइनली इस केस में पास क्या हो रहा है, 10. 10 इस केस में क्या, नंबर ऑफ एलोकेटेड बाइट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था मैलॉक के केस में जस्ट इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने एन का वैल्यू 5 पास किया, देन टोटली कितने बाइट्स एलोकेट होंगे जस्ट इन दैट केस, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10 बाइट्स. मीन्स 10 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा. इस केस में इस ब्लॉक के अंदर टोटल बाइट्स कितने हैं, देर आर 10 बाइट्स. क्लियर. अगर फर्स्ट बाइट का एड्रेस 100, देन नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या 101 102 एंड सो ऑन वट एवर. फाइनल इसका एड्रेस किस में आसान हो जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल पी. पी के केस में एड्रेस क्या पास हो रहा है, जस्ट इसका एड्रेस क्या 100. 100 इज असाइन टू द पी. नाउ पी इज पॉइंटिंग दैट प्लेस. लेकिन इस केस में अगर बात करें इनिशियली, मीन्स पी इंटीजर पॉइंट, इसलिए पी के थ्रू 2 बाइट्स के ब्लॉक्स पॉइंट होंगे. मीन्स फर्स्ट 2 बाइट्स, नेक्स्ट 2 बाइट्स, नेक्स्ट 2 बाइट्स एंड जस्ट नेक्स्ट 2 बाइट्स. क्लियर. 2 बाइट्स के ब्लॉक्स क्रिएट होंगे. इस लोकेशन का नेम क्या है, स्टार भी. फाइनली इस प्लेस पर बाई डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे, समथिंग गार्बेज वैल्यू इन केस ऑफ मैलॉक. मीन्स मैलॉक का जस्ट वर्किंग क्या है, ओनली सिंपली एलोकेटिंग मेमोरी ब्लॉक एंड रिटर्निंग एड्रेस ऑफ एलोकेटेड ब्लॉक. अगर सेम प्रोसेस आप कैलॉक के थ्रू फॉलो कर दें, कैलॉक के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट या सिग्नेचर क्या रहेगा, जस्ट स्टार पी इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग इन टू इंट स्टार. मीन्स टाइप कास्टिंग प्रोसेस दोनों में कॉमन, क्योंकि दोनों का रिटर्न टाइप क्या है, जस्ट वॉइड स्टार. कैलॉक कैलॉक के केस में फर्स्ट केस में पास किया एन कॉमा साइज ऑफ इंट, अट द साइज ऑफ इंटीजर इन केस ऑफ 16 बिट सी कंपाइलर 2 बाइट्स प्लस एन. एन के प्लेस पर सपोज दैट पास किया 5 और इंटीजर का साइज क्या पास होगा 2. इस केस में जस्ट मैलॉक के सॉरी सेम एलोकेशन जब कैलॉक के थ्रू परफॉर्म हुआ, तो कैलॉक के थ्रू एलोकेशन जस्ट बाइट बाई बाइट एलोकेट नो गे. मीन्स जस्ट 5 एलिमेंट्स क्रिएट होंगे और एक सिंगल एलिमेंट, मीन्स इसके साथ सिंपली 5 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, प्लस 5 ब्लॉक कंसिडर होंगे एज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, प्लस एक सिंगल ब्लॉक का साइज कंसिडर होगा एज अ 2 बाइट्स. मीन्स मैलॉक फंक्शन के केस में जस्ट एलोकेशन किस फॉर्म में, एक सिंगल ब्लॉक के फॉर्म में. लेकिन इस केस में सिंगल ब्लॉक क्रिएट न करके एन ब्लॉक क्रिएट होगा और एक सिंगल ब्लॉक अपने आप में क्या है, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इस केस में कितने बाइट्स के ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, 2 बाइट्स के ब्लॉक्स. अगर फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 100 है, देन सेकंड ब्लॉक का एड्रेस क्या हो, 102 104 106 एंड 108. क्लियर. नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मीन्स इस केस में पी में कैसा हो जाएगा, इसका बेस एड्रेस 100 सेम एज प्रीवियस केस. लेकिन इस केस में इनिशियल, मीन्स जो भी एलोकेशन परफॉर्म हुआ प्रीवियस केस में, मैलॉक के थ्रू जस्ट एलोकेशन परफॉर्म हुआ, तो कोई इनिशियलाइजेशन परफॉर्म नहीं हुआ. लेकिन इस केस में पहले परफॉर्म क्या हुआ, एलोकेशन देन इनिशियलाइजेशन. कैलॉक के केस में सारे एलिमेंट इनिशियलाइज कैसे हो जाएंगे, जस्ट 0. क्लियर. तो सेम पॉइंट्स मैंने प्रोवाइड किए डिफरेंसेस के फॉर्म में. एलोकेटेड ब्लॉक डजंट इनिशियलाइज, मीन्स मैलॉक के थ्रू अगर आप कोई एलोकेशन परफॉर्म करो, देन इस केस में कोई इनिशियलाइजेशन परफॉर्म हुआ है क्या, नहीं. इसलिए बाय डिफॉल्ट सभी एलिमेंट का वैल्यू क्या हुआ, ऑलवेज गार्बेज. जबकि कैलॉक के केस में क्या, ऑल एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड बाई 0. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड केस, इट इज जस्ट वन आर्गुमेंट फंक्शन. मैलॉक की बात करें तो मैलॉक के अंदर
आर्ग्यूमेंट्स कितने पास हुए, मिस इस केस में पास क्या हुआ था जस्ट एन के प्लेस पर क्या है फाइव, साइज ऑफ ऑपरेटर के केस में इंटीजर का साइज क्या है टू, फाइव मल्टीप्लाई टेन, तो फाइनली कितने आर्ग्यूमेंट पास हुए ओनली वन आर्ग्यूमेंट, मिस वैल्यूज टू है लेकिन टू वैल्यू एक्सप्रेशन के फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होते हैं इस केस में फाइनली आया सिंगल आर्ग्यूमेंट पास हुआ मिस इट इज वन आर्ग्यूमेंट फंक्शन, लेकिन कैलॉक के केस में कैलॉक कैसा वन आर्गुमेंट और टू आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट क्योंकि इसके साथ फर्स्ट आर्गुमेंट पास कैसे हुआ है पास क्या हो रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकंड आर्गुमेंट क्या साइज ऑफ ईच एलिमेंट प्लस ए सेपरेशन किसके थ्रू मल्टीप्लिकेशन और कॉमा कॉमा, देन इसके साथ दोनों ही केस कंसीडर होंगे टू सेपरेट आर्गुमेंट, क्लियर इज द सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस मीन्स अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें मीन्स इन दोनों में से हायर परफॉर्मेंस किसका है, मैलॉक फंक्शन विल प्रोवाइड हायर परफॉर्मेंस कंपेयर टू कैलॉक, इसका सिंपल रीजन है जस्ट मैंने इसलिए इस डायग्राम प्रोवाइड किया था जिससे आपके लिए प्रैक्टिकली समझना पॉसिबल हो। थर्ड पॉइंट मीन्स प्रैक्टिकली मीन्स इस केस में मैलॉक के केस में सब मीन्स मैलॉक ओनली सिंगल स्टेप में परफॉर्म किया कराता है, सबसे पहले फर्स्ट केस क्या है एलोकेटिंग ब्लॉक मीन्स मेमोरी एलोकेशन एंड रिटर्निंग एड्रेस, जबकि कैलॉक के केस में मीन्स कैलॉक इसका प्रोसेस कितने स्टेप्स में फिनिश करा टू स्टेप, फर्स्ट वन एलोकेशन मीन्स स्टेप दोनों ही मैलॉक सॉरी मैलॉक और कैलॉक में स्टेप कैसा है कॉमन, लेकिन कैलॉक फंक्शन में एलोकेशन के साथ साथ परफॉर्म क्या हो रहा है ऑल्सो इनिशियलाइजेशन, तो इसके इसमें एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो एक्स्ट्रा ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड किया होगा सम एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन टाइम, क्लियर देयरफॉर इट विल टेक्स अ बिट अमाउंट मोर टाइम कंपेयर टू मैलॉक फंक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी इनिशियलाइजेशन, मीन्स इनिशियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड इस केस में, इसलिए मीन्स ऐसा नहीं बोल सकते इनमें बिग डिफरेंस मीन्स अ बिट स्लोअर कंपेयर टू मैलॉक फंक्शन, इसका रीजन क्या है जस्ट बिकॉज ऑफ इनिशियलाइजेशन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शंस।